नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक रिटेल शॉप स्टार्ट करना है सर, हर जगह ढूंढ रहा है। काफ़ी रिटेल शॉप में क्या होता है, एक प्रिंटिंग में दिक्कत आ जाती है, वही आज का मसला मेरा। सर बहुत सारे प्रिंटर ढूंढे हैं, सॉरी गूगल में ढूंढा है, हर जगह ढूंढा है, बहुत सारे डीलिंग किए पर मिल नहीं रहा है। सो तो प्रिंटिंग के लिए, बिल प्रिंटिंग के लिए और बार्ड कोड प्रिंटिंग के लिए सर प्रिंटर आप कौन सा बताएंगे? देखो मैंने बहुत सारे प्रिंटर आपके पास लेके आया हुआ है, आप वहाँ से देखिए इधर तक प्रिंटर लेके आया हुआ है। हाँ। और कुछ प्रिंटर मेरा शोकेस में ऑलरेडी अवेलेबल भी है। हाँ, यानी मैंने मार्केट में जितनी भी प्रिंटर है आज से सॉफ्टवेयर कंपनी, हाँ, हम 4-5 साल से जितनी भी प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल है सब खरीद लेता है। ओके, खुद टेस्टिंग करता है। ओके, कौन सी प्रिंटर कस्टमर के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मेरा बहुत सारे कस्टमर ऐसा है यानी इंडिया का ऑल ओवर द इंडिया का सारे जगह से है। मैंने कुछ भी सजेस्ट करेंगे उधर पहुंचने के बाद उसको सूटेबल नहीं होंगे तो मुझे खुद ही दिक्कत है ना, कस्टमर ये होता है, टेंशन होता है। इसलिए करके मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खरीद लेता है। ओके सर। तो खरीद के मैंने खुद एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जामिन किया हुआ है वन बाय वन, एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके सर। मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा साइड में रखेंगे पहले। ओके सर। देखिए वो प्रिंटर थोड़ा ले लीजिए। यस। ओके सर। ये देखिए ये प्रिंटर जो है आपको दिखाई देती है, ये एप्सन का प्रिंटर है। ओके सर। एप्सन यानी एप्सन TM82X। ओके। ये थोड़ा हाई एंड का प्रिंटर है। हाई एंड मतलब इसका प्राइस, इसका बिल्ड क्वालिटी भी एकदम नंबर वन है। ये इस प्रिंटर में मात्र आपने बिल प्रिंट कर सकता है, यानी 3 इंच का जो थर्मल पेपर रोल होती है उसमें से बिल प्रिंट कर सकता है, कस्टमर इनवॉइस, कस्टमर बिल। ओके सर। इस प्रिंटर में मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या आया हुआ है, ये देखिए अपने प्रिंटर है ना, सबसे ज्यादा पसंद क्या आया है इसका, 4.5 मीटर तक मैंने प्रिंट करके देखा इसमें। एक्सपीरियंस्ड। यस। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था लास्ट टाइम। यानी कंटिन्यू बिल जाने दीजिए 4.5 मीटर तक। मैंने टेस्टिंग किया उसका, भी ज्यादा भी जा सकता है शायद। ओके सर। और इसमें आपको देखो बैक साइड में देखो, इधर देखिए USB अडाप्टर है। ओके सर। और देखो आपको कैश ड्रॉअर का भी अडाप्टर है। ओके सर। ये पावर सप्लाई है। ओके सर। है ना, ये सब कुछ। और एक देखो RF पोर्ट है यानी 9 पिन अडाप्टर है, ये भी अवेलेबल है इसके पीछे। तो बहुत कंफर्टेबल प्रिंटर है आपको। इसका प्राइस नियर अबाउट 12,000 से लेकर के 13,000 तक अवेलेबल है। ओके। और इसका गारंटी मिलती है आपको। ओके। है ना, गारंटी वारंटी सब मिलती है आपको। यानी सर इसका लाइफ कितना है? लाइफ, ये जो लाइफ है ना, ये जो जितना भी आपने थर्मल प्रिंटर मोस्टली देखो, सबसे मोस्टली क्यों थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं, थर्मल प्रिंटर फर्स्ट ऑफ ऑल खराब नहीं होता है। अच्छा। और ये बहुत अच्छा लाइफ देते हैं, 5-6 साल के लिए कुछ नहीं करना है इसको। ओके सर। और इसको देखो ऑन ऑफ बटन वगैरह है, सब कुछ मैनुअल। यस। हां जी सर। मात्र इतने सारे प्रिंटर से ये जो प्रिंटर में ना, जैसे हमने पावर इसमें लगा रखा हुआ है, पेपर डाल करके थोड़ा सा पेपर खींच के बाहर रख देता है हमने, देखिए इस तरीके से, यानी सिंपल वे में आपने डाल सकते, देखिए इस तरीके से डाल के बाहर लगाते हैं ना, ये ऑटोमेटिक कटता है, कट फर्स्ट कट। ओके सर। और कोई प्रिंटर में नहीं करता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है मतलब। हाँ, वो मैंने पर्टिकुलरली ये वाला एप्सन प्रिंटर में देखा हुआ है। अच्छा, है ना। ओके। तो ये हमने से हटके है मतलब। हाँ, ये मतलब थर्मल प्रिंटर में थोड़ा महंगा है। okay. और इसका बिल्ड क्वालिटी भी देखो आपने, इसका सरफेस देखिए बहुत टफ है ना। हाँ, एकदम सॉफ्ट, यानी उसका सरफेस इतना मतलब मजबूत, हाँ मजबूत भी है, और उसका सरफेस में आप टच करना तो फील होता है ना आपको। अच्छा, स्मूथ भी। यस, स्मूथ। और इसका देखो लोहा का, और उसका सपोर्ट वगैरह सब कुछ, स्लिप ना होता, स्लिप ना हो। यस। बुश वगैरह सब कुछ है। ओके सर। है ना, एप्सन प्रिंटर मैंने बहुत पसंद करता है पर्सनली। यस। इसको साइड में रख देते हैं। हां जी। और सर नेक्स्ट दूसरा क्या है आपको? देखो एवरीकॉम का प्रिंटर, ये जो एवरीकॉम का जो मॉडल है, हां जी, मैं आपको सबसे पहले मॉडल बताता हूँ। ये EC901 है। ओके। ये इसका मैंने एक चीज आपको खुला खुला बताता हूँ, इसमें ऑटोमेटिक कटिंग नहीं है। ओके। वो जो प्रिंटर, मैंने एक चीज मैंने बोलने के लिए भूल गया, आप जैसे पेपर आते ना, जैसे बिल प्रिंट होता है ऑटो कटिंग होता है। हाँ। ये पर्टिकुलर एवरीकॉम का जो मॉडल में ऑटोमेटिक कटिंग नहीं है। आप इसको मैन्युअली कट करना पड़ेगा, जैसे पेपर अच्छा, बाहर आ जाएंगे आपने, हाँ हाथ से कटिंग करना पड़ता है। जैसे आपने पेपर डालने के लिए वेरी सिंपल है, जितना भी थर्मल प्रिंटर है आपको इस तरीके से डालना है, और पेपर ऐसे प्रिंट करके बाहर आ जाएंगे, बाहर आने के बाद आप इसे यानी मैन्युअली इसको कट करना पड़ेगा। यस। और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यस। ये देखिए इस तरीके से मैनुअली कटना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक कटिंग का ये फैसिलिटी नहीं है। okay. इधर आपको दिखाई देंगे, देखो ये जगह खाली पड़ा है। हाँ जी। मतलब जिधर ऑटोमेटिक ब्लेड जो होते हैं ना, वो खाली पड़ा है। okay, और इसका भी प्राइस मैंने लिया था नियर अबाउट 6,000 रुपीज़ में लिया था। okay, ये एक्चुअली मेड इन
चाइना ही है, मेड इन चाइना बन रहा है ये। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन एवरीकॉम का दूसरा एक मॉडल है सेम सेम, वो जो है आपको ऑटोमेटिक कटिंग के साथ जो आती है, वो भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, यानी नियर अबाउट 6,000 रुपीज़ 6,100 समथिंग था अमेजोन से। ये भी आपको 3 इंच का पेपर यूज़ करती है, यानी 3 इंच का थर्मल पेपर जो डाल करके आपने प्रिंट कर सकता है। यस, ये इस तरीके से जितना भी प्रिंटर जो है ना, जिसमें आपको पेपर डालने के लिए वेरी सिंपल है। ओके सर, सीधा खोलिए उसके अंदर डालिए सिंपल, है ना, ये हो सकता है। और इसके पीछे आपको देखिए क्या क्या मिलती है। इसमें आपको पावर सप्लाई का ऑप्शन है, यानी आपका कैश ड्रॉअर का ऑप्शन है, और इसके लैंड पोर्ट भी है, और इसका आपको USB पोर्शन पोर्ट जो आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए है ना, काफी फैसिलिटी। हाँ, इसको देखो मैंने जो भी है मैंने खिला खुला के बोलता हूँ, इसका बॉडी जो है आपको उतना खास नहीं फील नहीं करेंगे जैसा पहले एप्सन का जो दिखाया है ना। मैंने कोई ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी को दबाता भी नहीं, क्योंकि ये प्राइस रेंज के अंदर वो उतना बेस्ट क्वालिटी बनाया उन्होंने। ओके सर, है ना, फिर भी आपने एकदम अच्छा फील करते हैं, आपको कोई मतलब कम प्राइस में ले सकते हैं। हाँ, यस, 6,000 प्राइस में ऑन ऑफ स्विच वगैरह सब कुछ है। okay. और इस तरीके से भी प्रिंटर भी है ना, आपको ज्यादातर डैमेज वगैरह नहीं होता है। okay, और प्रिंटिंग भी एकदम शार्प होती है। अच्छा, क्लैरिटी बहुत अच्छा होती है। सर, इनका वारंटी और लाइफ वगैरह कैसा? ये जो अमेज़न से लेती है आपने, इसको ज्यादातर वारंटी का थोड़ा सा ये लोग इधर रखे रखा हुआ है। हाँ जी, एवरीकॉम का मैंने वारंटी मैंने खुद पर्सनली चेक नहीं किया है, आप उसका डायरेक्टली आपने देखना पड़ेगा उसको। okay. क्या है उसका वेबसाइट में देख लीजिए एक बार किस तरीके से उसका वारंटी है। okay. है ना, इसका लाइफ, इसका भी नियर अबाउट 4 to 5 years आपने कुछ नहीं करना है, कितनी भी आपने थर्मल प्रिंटर देखो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं देगी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत देता है जो 2000-2500 में जो 58 mm का जो प्रिंटर आता था, 52 mm समथिंग लाइक दैट, छोटा सा 2 इंच का, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता, दे सकता है। अच्छा, ठीक है सर। ये वाला प्राइस रेंज का जितना भी प्रिंटर है, 5,000-7,000 जो भी है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। और इसका सबसे खास चीज क्या है, इसका जो ड्राइवर सिंबल है। ओके. इसका जो कंप्यूटर में एक ड्राइवर इंस्टॉल करता है ना, वो बड़ी सिंपल वे में आपको चला सकता है, कनेक्टिविटी कर सकता है। ओके सर, है ना। और इसको मैक्सिमम लेंथ जो है ना, पेपर लेंथ, वो एप्सन से थोड़ा कम है। कम है। okay. कितना वो तो प्राइस का डिफरेंस तो होता ही है सर। हाँ जी, यस, है ना, उसके हिसाब से। हाँ जी, ठीक है जी। और दूसरा कौन सा आप देखिए? दूसरा ये वाला, ये मैंने जब मेरा बिजनेस शुरू किया था तब से लिया है। अरे, पर्सनल ये मैंने डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट चाइना से मैंने खुद कुरियर करके मतलब मंगवाया, DHL कुरियर से मंगवाया था। ये मैंने लिया था नियर अबाउट $30 से कम पर प्राइस में लिया था उधर। अच्छा, तो $30 बोला तो आपको समझ आते 2100 समथिंग प्राइस उधर, चाइना का प्राइस है। फिर हमने शिपिंग चार्ज इधर आएंगे, ड्यूटी पे करेंगे, नियर अबाउट 4000-5000 जाएंगे। ये जो प्रिंटर है ना जी, ये प्रिंटर का मॉडल नंबर जो है आपको एक्स प्रिंटर का प्रिंटर है। एक्स प्रिंटर का V320L बोल के जो मॉडल है। okay. और इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, 200 mm/s है। okay. है ना, 200 mm/s है। और इसका देखिए आपने इधर देखो एक पुश बटन दिया हुआ है, खोलने से ऑटोमेटिक खुल जाती है। अच्छा, सिंपल वे में आपने पेपर डाल सकता है। ये भी 3 इंच का थर्मल प्रिंटर है। okay. इसमें ऑटो कट मैकेनिज्म है। okay, और हाँ, ऑटो कट मैकेनिज्म है, मैं पूछने वाली थी इसमें है कि नहीं, आपने बता ही दिया। और जितनी भी आपने इस तरीके से जो प्रिंटर दिखता है ना जी, हाँ जी, इसका जो ऑटो कट मैकेनिज्म खोल कर आपने 10 प्रिंटर उधर ला के रखी है, हाँ जी, सबका प्रिंटर का हेड निकाल के बाहर रखिए, सब ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगे आपको। मोस्ट ऑफ द प्रिंटर में आपको सेम मैकेनिज्म है अंदर, लेकिन बॉडी में डिफरेंस होती है। मेरा ख्याल से है ना, ये मैकेनिज्म बनाने वाला कंपनी शायद ये किया तो होगा। हाँ जी, प्रॉब्ली प्रॉब्ली वो बॉडी जो है आप बहुत सारे चेंज करते रहता है। लेकिन कुछ ब्रांडेड प्रिंटर्स होती है जैसे TVS वगैरह, वो मैच नहीं करता, वो डिफरेंट बिल्कुल। इसका लाइफ और वारंटी, ये मैंने 5 साल से मैं खुद ही यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन ये मॉडल अभी अवेलेबल नहीं है। okay, इसका नया मॉडल जो है ये। अच्छा, ये वाला अवेलेबल है अभी। okay, है ना, इसमें भी आप देखिएगा, इसमें पावर सप्लाई का ऑप्शन है, आपका कैश ड्रॉअर का ऑप्शन है, कंप्यूटर यानी USB का ऑप्शन है, आपका लैंड पोर्ट का भी ऑप्शन है। अच्छा, है ना, सब कुछ है। और इसका भी स्पीड यानी सुपर है, और हाँ काफी सुपर है। और इसका जो बिल्ड बॉडी का क्वालिटी आपने देखी, बहुत ही प्यारा लग रहा है, प्यारा है। और उसका हर कॉर्नर में आपको फिनिश दिखाई देंगे, ये जो जॉइंट वगैरह देखिए आपने, बिल्ड क्वालिटी ने एक नंबर का किया हुआ, देखिए बुश वगैरह सब कुछ, हाँ पिन भी है, सुपर प्रिंटर है।
ये आपको अवेलेबल मिल गया तो ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मात्र बिल प्रिंट करने के लिए। हाँ, बार कोड नहीं हो अभी, जितना भी प्रिंटर मैंने दिखाया ओनली बिल, बिलिंग के लिए, बार कोड के लिए हम अभी जा रहा हूँ। ओके सर, और आपको दिखाई देती ये वाला एक्स प्रिंटर का नया मॉडल। ओके, उसी का जो आपने अभी नीचे, हाँ उसका। इसका जो मॉडल नंबर है V320M है ना, इसका स्पीड है 200 mm/s, सेम उसका स्पीड है। और इसमें आपको देखिए डायरेक्ट, अभी पहले था उसमें अडाप्टर लगते थे, अडाप्टर लगे फिर कनेक्टर इधर लगाते थे, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट। ओके, और आपको इसमें यानी लैन, सॉरी लैन नहीं है, इसमें आपको इसमें कैश डोर का पोर्ट है और USB का पोर्ट है। अच्छा, ओके सर। ये ऑटो कट मैकेनिज्म है इसके अंदर। ओके, यानी आपको जिस 3 इंच का बिल प्रिंट होंगे ऑटोमेटिक उसका, ये देखिए ये डालने के बाद ऑटोमेटिकली उसका कटिंग होता है पेपर। इसमें मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ इधर ही रहता है, देखिए। ओके, सब में आपको बाहर से भी अंदर से भी दिखेगा सेम दिखता है ना, ये भी आप, हाँ। लेकिन मैं क्लियरली बोलता हूँ, वो जो पुराना मॉडल का बॉडी फिनिशिंग इसमें नहीं है, इसमें आपने दिखने में भी लगेगा ना, लेकिन ठीक है, यानी ये ऑन ऑफ स्विच वगैरह यहाँ है, लेकिन इसका पुराना मॉडल का उतना मतलब, हाँ दिखने में, लेकिन काम अच्छा बढ़िया करता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें तो काम से होता है सर ज्यादातर, मतलब सर। इसका लाइफ और वारंटी कितना होगा सर? ये अच्छा लाइफ देता है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा, ये भी आपको खराब वगैरह कोई टेंशन नहीं है। इन केस आपका बहुत 3-4 साल 8 साल के बाद 6 साल के बाद प्रिंटिंग जब भी करता है ना, उसमें प्रॉपरली प्रिंट नहीं होता है, अच्छा, तो उसमें थर्मल हेड जो होती है वो रिप्लेस करना होता है। अच्छा, ठीक है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है आजकल मॉडल नंबर के हिसाब से। आपने बताया ये नया मॉडल है उससे सर, तो दोनों को कंपेयर किया तो सर आपको पर्सनली कौन सा पसंद आया? पर्सनली पुराना मॉडल मुझे पसंद है इसका। और दोनों में अलग क्या है कि उसमें इतना पसंद क्यों आया? सही, उसका जो क्यूटनेस और मेरे साथ शुरू से है, अच्छा पर्सनल अटैचमेंट है आपका। अच्छा, इसका नया मॉडल है, इधर फीड बटन वगैरह सब कुछ है। ओके सर, है ना। और इस प्रिंटर को देखो, मैंने क्लियर बताता हूँ, एक महीना पहले अमेजोन में इसका प्राइस था 4,900 रुपीज। ओके सर, जितना भी लोग इसको देखे होंगे सब पता है। हाँ जी। अभी इसका प्राइस बढ़ा के 6,200 तक लेके आया। है ना, ये है ना, ये प्राइस इतना बड़ा 4,700 तक मैंने देखा इसको। अच्छा। स्टार्टिंग में शुरुआत में। ओके सर, है ना, ये प्रिंटर बहुत अच्छा प्रिंटर है, आपको बहुत काम पे चीज। इसमें मात्र बिल होता है, बिलिंग होता है, बार कोड नहीं होता। okay. है कितना भी अभी तक मैंने प्रिंटर दिखाया कोई भी, वो सब बिलिंग है। सर अभी बार कोड में भी चलते हैं हम, देखो ये वाला प्रिंटर बार कोड के लिए लेके आते हैं। इंडिया में बहुत सारे बिका हुआ प्रिंटर है। TSC 244 का मॉडल है। हाँ जी, TSC 244 में आपको आपको क्या है ना, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नंबर वन विथ रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, बहुत बड़ा ब्रांड है ये। बारकोडिंग लेबलिंग के लिए इतनी बिका हुआ है प्रिंटर, है ना, बहुत बहुत बढ़िया प्रिंटर है। इसमें आपको ज़्यादा पीछे कुछ नहीं मिलेंगे, देखिए इसका देखो ऑन ऑफ स्विच है, आपको पावर अडाप्टर है, प्लस आपका कंप्यूटर कनेक्टर है, बस और कुछ, हाँ और कुछ नहीं। इसको आप खोलेंगे ना, ये देखिए आपको रबन वगैरह कार्बन वगैरह डालने के लिए ऑप्शन है जी, है ना। और ये देखिए आपने, ये आपको रबन देखना सर, बारकोड रोल वगैरह सब कुछ इधर डाल सकता है। और इसमें एक देखो इधर पुश बटन जो है ना, ये देखिए पुश बटन जो है ना, ये खोल सकता है। और इस प्रिंटर में ना दूसरा मतलब बहुत सारे मैंने प्रिंटर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जैसे बारकोड प्रिंटर्स, उसमें ये प्रिंटर में आपको देखो इधर ऐसे मिलती है, ओके ओपन हो सकता है। हाँ। अच्छा। और इसमें ना ये जो जैसा आप कोई भी साइज का स्टिकर डालो, हाँ जी, शायद छोटा स्टिकर डालो या बड़ा स्टिकर डालो, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है प्रिंटर में, ये जो स्लाइडिंग में पड़ के हमने हाथों से करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये TSC के ये मॉडल प्रिंटर में आप इसमें से घुमाइए, ये है ना ऑटोमेटिक, हाँ यस, देखिए ये घुमाने से आपको ये सामने एडजस्ट होता है। ओके सर, वो मैंने ये प्रिंटर में देखा। और इसका सेटिंग भी बहुत सिंपल है, यानी कोई दिक्कत नहीं है आपको, यानी ये वगैरह सब वेरी इजीली निकाल सकता है, डाल सकता है, सब कुछ है ना। इसको कैसे डालना है, मैंने इसको सेपरेटली वीडियो बनाया था, आप थोड़ा सा उसको देखिएगा, है ना, उसको कैसे लगाना है, ये आराम से आपने ये कर सकता है। और बार कोड रोल यहाँ डालते हैं आपने, इसको बंद करके अपना आराम से चला सकता है। इसका प्राइस जो है ना नियर अबाउट
नियर अबाउट 11,500 है। 11,500 है। ओके सर। और प्राइस जो है, और इसका है ना सर्विस वगैरह मिलता है इंडिया में। ओके। ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में सर्विस मिलता है टीएससी का। टीएससी का ऑफिस वगैरह सब कुछ है इधर इंडिया में। ओके सर। टीएससी के प्रिंटर में ज्यादातर दिक्कत होता नहीं। नहीं होता है। ओके। सर इसका लाइफ और वारंटी वगैरह? देखो ये जितना भी इस तरीके से प्रिंटर होता है ना, ये मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर का प्रिंटर लाइफ है। ओके है ना, 45 किलोमीटर का प्रिंटर लाइफ है मेरे हिसाब से, मेरे मेमोरी में ऐसे है, शायद आगे पीछे 10 किलोमीटर अब देखिएगा उसको, 45 किलोमीटर आसपास उसका मिलती है। ओके सर। 45 किलोमीटर बोले तो बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा है ना, इतना प्रिंटर लाइफ है इसको। ओके। और इसमें खास चीज़ क्या है ना, इसका जो ड्राइवर वेरी सिंपल है। ओके। ड्राइवर सिंपल है मतलब आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके वेरी इजीली आपको अटैच कर सकते हैं उसका। पेज साइजिंग वगैरह आपने स्टिकर बहुत सारा साइज का आता है ना आपका। हाँ। वो सब कुछ कर सकता है। ओके सर। वेरी इजीली। अच्छा। और उसके बाद आपको लेके चलते हैं अपने दूसरा प्रिंटर पे, टीवीएस। ये टीवीएस एलपी 46 नियो। ओके सर, इसमें बिलिंग एंड बार को दोनों अवेलेबल है या फिर इसमें कुछ एक ही हो सकता है, ऐसे कुछ है इसमें? इसमें आपको बिल और बारकोड दोनों आराम से। इसका सेटिंग है इसके अंदर। ओके सर। है ना, ये देखिए आपने, ये देखिए, ये जो बिल आपको दिखाई देता है ना, ये वाला जो 3 इंच का थर्मल पेपर। हाँ जी। आपको बिना बगैर रिबन डाल करके कर सकता है डायरेक्ट थर्मल में। ओके सर। आपको डायरेक्ट थर्मल क्या पता है ना, समझा दो सर। बिल्कुल सही रहेगा। देखिए ये जो आपको स्टिकर दिखाई देती है। हाँ जी। और आपको ये जो स्टिकर दिखाई देती है, ये आपको बिल रोल है, ठीक है? हाँ जी सर। ये आपको स्टिकर है, ये आपको स्टिकर है, सब दिखने में सेम स्टिकर है। हाँ। लेकिन किसी किसी स्टिकर डायरेक्ट थर्मल होता है, किसी किसी स्टिकर थर्मल ट्रांसफर होता है। ओके। तो आपको कैसे पता चलेंगे कौन सा थर्मल है डायरेक्ट थर्मल है, कौन सा थर्मल ट्रांसफर है? उसके लिए आपको ये लाइटर लेना है। अच्छा। ये लाइटर लगा करके देखिए, आपने थोड़ा सा इसका कोई भी एक स्टिकर आपने अपने हाथ से ले लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा मतलब इसको मैंने लाइट देख जलाता है, देखिए तुरंत वो काला होता है। हाँ सर। है ना। हाँ। वो मतलब जल गया नहीं है, वो हीट होने से वो काला होता है। टू बी फ्रैंक। हाँ। इसको बोलता है डायरेक्ट थर्मल। डायरेक्ट थर्मल यानी डायरेक्ट थर्मल होने से मतलब काला चेंज होती है। अच्छा, ये वाला भी हम चेक करेंगे, मैंने खुद देखा नहीं क्या है। ओके। ठीक है, इसको हम जला के देखेंगे, ये डायरेक्ट थर्मल है या थर्मल ट्रांसफर। ये देखिए ये काला हो रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट थर्मल है, ठीक है ना। और दूसरा स्टिकर हम देखेंगे, ये वाला स्टिकर को देखेंगे। ये देखिए ये भी स्टिकर है ना, कितना भी हीट करो, ज्यादातर हीट करने से क्या होगा, वो खुद जल जाएगा, यानी काला नहीं होगा। काला नहीं होगा। ये कैसा प्रिंट करता है? इसके लिए आपको चाहिए जो रिबन। ओके। ये रिबन वो प्रिंटर में डालते हैं, और रिबन में जो कार्बन होता है वो हीट होकर के इसमें चिपक जाती है। ओके सर। अच्छा सर, इसमें जो सिर्फ एक ही कलर आता है या फिर डिफरेंट कलर से हम प्रिंट कर सकते हैं? ये जो बिल प्रिंट बारकोड प्रिंट करने के लिए। हाँ जी। आपको बहुत सारे रिबन मार्केट में अवेलेबल है, ब्लू कलर। ओके। रेड कलर। अच्छा। ये ग्रीन कलर। ओके। है ना, ये ग्रीन कलर, ये ब्लैक है, ये ब्लू दिखता है इसके कवरिंग में, एक्चुअली इसके अंदर ब्लैक होता है। अच्छा। है ना, और क्या है बस। Okay. और बहुत सारे कलर्स है। Okay. मैंने अपना देखने के लिए थोड़ा सा प्रिंट ले लिया। और सर ये जल्दी से खराब होते हैं या फिर बहुत देर तक रहते हैं? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी सर। ये खराब होता है। ओके। ये प्रिंटर लेने के बाद बहुत सारे लोग क्या करता है, सस्ता वाला जाकर के रबर लेने के आते हैं। रिबन क्या होता है ना, बहुत देर बहुत साल यानी फॉर एग्जाम्पल रहने से उसका जो कैपेसिटी कम होता है उसका, यानी उसका जो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ जी सर। वो अब प्रिंट बराबर नहीं आता है। सो प्रिंट बराबर नहीं आता, सीधा किसको बोलेंगे, प्रिंटर को बोलेंगे। हाँ, प्रिंटर खराब है। खराब। हाँ जी। लेकिन रियलिटी क्या है, आपका मात्र रिबन चेंज करने से आपको ऑटोमेटिकली चालू होता है। सर तो इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, मतलब इसको कैसे रखना है? नॉर्मली लाइट के ऊपर नहीं रखना, ज्यादा लाइट के ऊपर नहीं रखना है। ये इसलिए करके वो लोग एक सरफेस से कोटिंग दिया हुआ है। अच्छा। सर ब्लैक में दिया है, इन सब में नहीं दिया है? इसका था, सब में था। ये मैंने खोल करके मैंने इस okay, के लिए। रखा हुआ है। लेकिन ज्यादातर खोल कर रखने से खराब होता है। अच्छा। ओके। इवन आपका बिल पेपर रोल जो होता है ना, जो बिल पेपर, ये भी खराब होता है। ये भी खराब होता है।
थर्मल ट्रांसफर पेपर ये वाला पेपर ज्यादा खराब नहीं होता है, ये रहता है काफी रहता है। ओके, डायरेक्ट थर्मल ये वाला भी खराब होता है। अच्छा, ओके, है ना, इसमें शरीर होता है उसको इतना प्रिंट होने से इतना खास क्लैरिटी नहीं मिलेंगे आपको। ओके जी जी, तो मार्केट में सर सिर्फ ये चार अवेलेबल है या फिर इससे ज्यादा भी अवेलेबल? ज्यादा भी अवेलेबल, अमेज़न से मैंने ढूंढ ढूंढ के लिया था। अच्छा, प्राइस ज्यादा लिया मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने हाँ देखने के लिए और प्रिंट करके। अच्छा, क्वालिटी कौन सा देखा? मैंने प्रिंट करके खुद देखता है ये कैसा है ये कलर में, लेकिन फ्रैंकली बोलूं आपको ब्लैक इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। ब्लैक कलर में आपने प्रिंट करके बार कोड वगैरह काफी क्लियर है, रीडिंग भी बहुत फास्ट है। अच्छा, बार कोड गन से आप स्कैन करेंगे। ओके सर जी। सर एक और सवाल है मेरा, जो अंगूठी होती है छोटी छोटी या बैंगल्स होते हैं उसमें कैसे टैग प्रिंट कर सकते हैं सर? जी हाँ जी, उसके लिए हाँ, उसके लिए देखिए ये वाला स्टिकर आपने यूज करना है। ओके सर, ये आपको ये प्रिंटर में काम कर सकता है उसको। ओके, ये जो है देखिए आपने इतना ब्यूटीफुल वगैरह है ना, ये आपको सिंथेटिक यानी पेपर नहीं है एक्चुअली। अच्छा, ये एक तरफ यानी क्या बोलते हैं इसका एक दूसरे एक मटेरियल, ये फटेगा नहीं, आपने पेपर की तरह काटा का फटेगा नहीं है। देखिए अच्छा, इसको सीजर्स प्लास्टिक जैसा है, पीवीसी समथिंग मटेरियल है मेरे ख्याल से। ओके ओके, ये एक्चुअली है ना इस तरीके से अंगूठी में लगता है, इस तरीके से फिर फोल्ड होता है और बहुत प्यारा से इसको लगा देता है। देखिए इस तरीके से अच्छा लग रहा है। और सर सिंस ये सिंथेटिक का बना है सर? सिंथेटिक या पीवीसी समथिंग है मेरे ख्याल से। और सर जैसे टी-शर्ट्स वगैरह में होते हैं सिंथेटिक सर? हां वो अलग है, वो अलग है, वो देखिए वो ये वाला टैग है मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। अच्छा, वो अलग है, इस तरीके से रोल में आती है। अच्छा, है ना, ये देखिए कस्टमर्स के लिए। सर एक और क्वेश्चन है कि सर ग्रोसरी स्टोर्स में आपने देखा टैग वगैरह लगते हैं, रैक रैक सॉरी रैक में जो टैग लगे होते हैं सर, उसका कौन सा यूज करते हैं? ये वाला। ओके सर, ये वाला देखिए आपने, ये आपने इधर से इसे कटिंग भी कर सकते हैं, देखिए प्रिंट होने के बाद। ओके, ये देखिए। अच्छा, ये मैंने प्रिंटिंग करके लाया हुआ है येलो कलर में। हाँ, यहाँ एमआरपी आता है ना, थोड़ा सा हाईलाइट होता है, दूर से। ये रैक में आपने इसे इसे लगा देता है। हाँ जी सर, जैसा आपको 50% ऑफर और उसका अमाउंट इधर लिख सकता है उसमें, दिख सकता है बड़ी आराम से लगा सकता है। ओके सर जी। सर ये 3 इंच प्रिंटिंग नहीं, 4 इंच प्रिंटिंग कैसे किया जा सकता है? मतलब आपने जो थर्मल प्रिंटर में आपने हाँ, बताया था 3 इंच प्रिंट होता है। हाँ, इसके अलावा 4 इंच में प्रिंट करना है, 4 इंच चाहिए, बड़ा चाहिए। हाँ, तो फिर कैसे करेंगे? बड़ा चाहिए तो आपको ये वाला प्रिंटर में कर सकता है, टीवीएस। टीवीएस में? ओके सर, आपको ये वाला देखिए, ये 4 इंच का थर्मल पेपर मार्केट में अवेलेबल है, डायरेक्ट थर्मल पेपर है ये। आपने देखिए इसको हीट कर, ये ब्लू कलर का है। हाँ। ब्लू कलर और ब्लैक कलर दोनों आते हैं, देखिए गर्म करने से आपको ब्लू होता है, ब्लू कलर हो रहा है ना, देखिए आपने दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल है ना। हाँ, ये आपको ब्लू कलर का भी अवेलेबल है, ब्लैक कलर का भी अवेलेबल है। ओके, ये आपने इसमें डाल सकता है। और जो ये वाला 3 इंच का, ये नॉर्मली आपको जितना बिग बाजार हर जगह मिलता है, इसमें से आपने देखिए 1 इंच का बड़ा है ना, ये देखिए। हाँ सर, 1 इंच बढ़ा, ये आपने ये प्रिंटर में कर सकता है, ये आपकी 4 इंच तक कर सकता है, 4 इंच तक, 4 इंच कर सकता है। बहुत सारे लोगों को एनर्जी 4 इंच प्रिंट बहुत पसंद है, क्योंकि मार्टर बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है और क्लियरली दिखता है और उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन डाल सकता है, पर आजकल वो छोटे ही आ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। ऑटो कट प्रिंटर आपको मार्केट में 4 इंच का नहीं मिलता है, ये वाला प्रिंटर। ओके, मैन्युअली करना पड़ता है, मैन्युअली करना पड़ता है। ओके सर, तो ये वाला प्रिंटर का स्पेशलिटी मैंने अभी बताया था ना आपको, आपको बिल भी प्रिंट कर सकता है, बार कोड भी प्रिंट कर सकता दोनों, है दोनों, टू इन वन है। और आपको जितना भी कलर डाल के प्रिंट करो और आपका जितना भी ये वाला यानी टैग्स प्रिंट कर सकता है, और इसको ज्वेलरी टैग कहता है, ज्वेलरी टैग। ओके सर, और आपको सिंथेटिक मटेरियल प्रिंट कर सकता है और इस तरीके, हाँ ये भी प्रिंट कर सकता है आपको। Okay. सब कुछ ये प्रिंटर में आपको प्रिंट कर सकता है, दैट इज अ स्पेशलिटी इन दिस प्रिंटर। और इसका प्राइस जो है ना, नियर अबाउट आपको 13.5 से लेकर के 14.7 तक अवेलेबल है मार्केट में। ओके ओके, है ना, ये प्रिंटर। सो इसका लाइफ वगैरह चलेगा ये काफी? मैंने करीब करीब 4 साल से ये प्रिंटर दे रहा हूँ कस्टमर को, कस्टमर को भी दे रहा हूँ, बहुत सारा मैंने दिया हुआ कस्टमर को, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं एक बार एक इश्यू आया था जो इसका चार्जिंग केबल में। ओके,
तो मैंने टीवीएस को मेल डाला, टीवीएस का डायरेक्टर तक मुझे पता है। हाँ उस दिन मैंने कंप्लेंट रजिस्टर किया भाई मेरा कस्टमर को ये, मैं क्योंकि कस्टमर झारखंड का था, विलेज एरिया का था, तो उनको ये ज्यादातर उधर मिलता है। अच्छा। तो मैंने कस्टमर को बोला भाई आपने एक काम करो, मैं अभी तुरंत मेल डालता हूँ, एक दिन वेट करो, ठीक है। मैंने उसको बोला ठीक है। सो फिर मैंने सबको मेल किया, तो नेक्स्ट डे नहीं उसका नेक्स्ट डे वो लोकेशन में पहुंच करके रिप्लेस कर दिया। वो अडाप्टर था ना इसके पीछे का, जो उसमें खराबी था, खराब था, प्रिंटर में कोई खराबी नहीं, चालू नहीं हो रहा था प्रिंटर। अच्छा ओके। तो वो अडाप्टर अडाप्टर करके इमीडिएटली उसको रिप्लेस करके दे दिया। सर्विसिंग भी काफी अच्छा है। उसके बाद नियर अबाउट मैंने उसके बाद उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे प्रिंटर मैंने इसको दिया हुआ है कस्टमर को, ये मेरे को खुद बिलीव है ये देने से मेरे को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर को दिक्कत होगा तो मेरे को भी दिक्कत है। हाँ जी। कस्टमर का प्रिंटर नहीं होगा तो मेरे को बार बार फोन करेंगे, मेरे कस्टमर को बार बार फोन आएंगे, और हमको भी खुद टेंशन होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैंने पर्सनली ना ये वाला प्रिंटर देता है कस्टमर। अच्छा। इसका सर्विसिंग भी अवेलेबल है, सर्विसिंग अच्छा है, और हाँ वो आपको देखो हमारे पास इतना सारे कस्टमर्स है ना जी, ये कस्टमर को एक प्रॉब्लम होगा तो वो बार बार फोन करेंगे, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है परेशान, तो हाँ हम भी हो, हमको भी कोई प्रॉब्लम आता तो हम बार बार फोन करेंगे। Obviously. तो फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी लिया, गाड़ी में प्रॉब्लम है, हम बार बार सर्विस सेंटर को फोन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तंग आ जाता है। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल, यानी इट्स नॉट एनीबडीज प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो मैंने भी खुद, मेरे को भी शेम होता है, मैंने प्रिंटर दे दिया, आपके रिस्पांसिबिलिटी में दिया है तो खराब हो गया। हाँ जी सर। तो ये वाला प्रिंटर इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, दैट्स द मेन थिंग। ओके। और इसका ना मेरे को इसका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक होल्ड है, कोई भी दिक्कत किधर भी हो गया तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ इमीडिएटली। ओके सर। तो ये फैसिलिटी है टीवीएस का जी। चलो सर, आपने तो आपको आपने जो आया हुआ है आपको कौन सा प्रिंटर लेना है? हाँ, हाँ जी, जितना भी प्रिंटर लिया देखा आपने, तो आपको ये वाला प्रिंटर फाइनलाइज कर सकता है। ओके, आपका स्टार्टअप बिजनेस के लिए टीवीएस प्रिंटर। और सर अगर मुझे लो बजट में लेना हो तो, सबसे लो बजट में स्टार्ट करना हो तो, देखो आप इजीली स्टार्ट करना है मुझे तो फिर कौन सा आप सजेस्ट करेंगे इन सब में? देखो सबसे कम बजट में अगर जाएगा तो आपको बारकोड प्रिंट नहीं होगा, बारकोड नहीं होगा, जैसा प्रिंटिंग। हाँ ये वाला जैसा प्रिंटर है आपको बारकोड लेवल प्रिंट नहीं, ओनली बिल प्रिंट होता है। बिल प्रिंट होता है सर। अगर उसी में स्टार्ट करना है तो फिर इन सब में आपने दिखाया काफी प्रिंटर, एक्स प्रिंटर भी ठीक है, ये ठीक है, एक्स प्रिंटर भी ठीक है, एवरीकॉम ओके है, एवरीकॉम थोड़ा सा हाई प्राइस में गया मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह बहुत ज़्यादा है इंडिया का, इसलिए करके वो एवरीकॉम का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्रिंटर का भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है, सब लेकिन ऑलमोस्ट अंदर से सेम है, सेम है सब कुछ, ऑलमोस्ट है। मैंने किसी को ये नहीं करके नहीं बोल रहा हूँ, और मेरे को पर्सनली कोई भी प्रिंटर में इतना दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उसमें बैठा के बैठ के एक्सपीरियंस करता है और कितना लंबा प्रिंट होता है, ये स्पीड कैसा है, ऑटो कटिंग कैसा है, सब कुछ देखा है। उसका जो ऑटो कटिंग करके साउंड देखेगा तो अच्छा, मेरे को वो भी आपने देख रखा है सर तो मेरे को फील करता है वो। हाँ okay. ये ठीक है। अच्छा। और वो प्रिंट होने के टाइम एक आवाज आता है। हाँ। वो सबसे पसंद मेरे को वो वाला प्रिंटर है। अच्छा। वो सबसे शुरुआत में देखे थे ना ये वाला। हाँ, मुझे लग ही रहा था आवाज होता है ना उसी में, हाँ उसमें वाह सुपर। ओके सर, ये सब चीज होता है। तो इन दोनों में देखो ये सबसे कम प्राइस में स्टार्ट, प्राइस नहीं, ये प्राइस नियर अबाउट 12-13,000 ओनली प्रिंट बिल के लिए। ओके। और इसका प्राइस है आपको 13.5 से लेकर के 14.7 तक अमेज़न में देखा मैंने। ओके सर। और मैंने मेरे कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर कस्टमर को देती है जो डीलर का प्राइस में डीलर प्राइस। ओके। क्योंकि मैंने एक रुपया भी प्रॉफिट नहीं लेता इसमें। अच्छा yes. वो बहुत ही बड़ी बात है आपका क्योंकि मैंने एक्चुअली जितना भी मेरा हार्डवेयर देती है ना, हाँ एक्चुअली क्या है वो जो रिमोट एरिया में मेरे कस्टमर्स है उन लोगों की हेल्प के लिए देते हैं मैक्सिमम उनको हेल्प करना है। मेरा मात्र कमाई अपने सॉफ्टवेयर से। सब बहुत ही लाइक आपका अच्छा मन है इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं सर। और मैंने आपको चाहिए तो जो डीलर का बिल भी सबको दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कोई बिल बना के रखा हुआ नहीं है, जीएसटी बिल आपको मैं दिखा सकता है और एवरीथिंग जितने जो डीलर का प्राइस से लेती है सेम प्राइस में मैंने शिपिंग करके देते हैं। ओके सर। तो सर आपने बहुत ही अच्छे से समझाया सर, थैंक यू सो मच, मैं डेफिनेटली लेके जा रही हूँ अभी। थैंक यू सो मच। ये प्रिंटर आपको नंबर वन लाइफ देती है। ओके सर, है ना। और इन केस मैं आपको बताता हूँ, देखिए हाँ जी एक चीज, छोटी सी चीज और लेके जाइए। हाँ।
आप ये प्रिंटर शुरुआत में आपने बिजनेस कर दिया, इस्तेमाल किया, ओके। जब आपका बिजनेस बढ़के जाएंगे, है ना, आप और एक प्रिंटर ऐड करिए, इनके हिसाब का रश ज्यादा होती है, एक बिल वाला प्रिंटर एक बाद में ऐड करिएगा, बिलिंग वाला, बिलिंग मात्र बिलिंग। तब क्या होता है ना, उसमें बार कोड चेंज करके बिल डालना, हाँ ठीक है, आपने बार कोड शाम का टाइम पे प्रिंट होती है, दिन में आपने बिल वाला, हाँ बिल वाला रोल डालता है, बिल प्रिंट होता जाती है, कर सकते हैं। लेकिन आपको भीड़, जब आपका बिजनेस रश होता है ना, तो आपको दिन में भी बार कोड प्रिंट करना होता है, इवनिंग टाइम में भी करना होती है, तब आप अलग अलग करिए। अच्छा, स्टार्टअप बिजनेस है आपका, एक ही रखिए, यही काफी है, बस बहुत ही स्मूथली जाएगा, स्मूथली जाएंगे आप। ओके सर जी, सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।